इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम। सबसे पहले तमाम मुसलमानों को ईद उल फितर की पुरखलुस मुबारक। वैसे तो आज ईद उल फितर है और इस ईद उल फितर के मौके पर आलिकरा सोशल वेलफेयर एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर की जानिब से फल फ्रूट तकसीम किए जा रहे हैं, खाने के पैकेट तकसीम किए जा रहे हैं, सिविल अस्पताल के अहाते में भी। और यहाँ पर जो पुलिस महकमा जो खड़ा है, ये देख सकते हैं आप पीछे चन्नमा सर्कल में हम मौजूद हैं। आज जुमा का दिन है और यहाँ पर अलीखरा की जानिब से कई सारे फूड पैकेट्स वो तकसीम कर रहे हैं मुख्तलिफ जगह पर जाकर, जो इस लॉकडाउन के तहत उन्हें खाने पीने की चीज़ें मुहैया नहीं हो पा रही, लिहाजा उनको यहाँ तक पहुँचाने की सहूलत अलीखरा की जानिब से की जा रही है। वाकई ये सराहनीय काम है। आज ईद उल फितर के मौके पर ये काम अलीखरा की जानिब से किया जा रहा है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। नम इलाके जो अलीखरा फूड पैकेट मत बिस्किट इतना को ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯವರು ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉಪಹಾರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಈ ಥರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಇದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮೂರು ದಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಥಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಫುಡ್ ಪಾಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಅಲ್ಲಿಖರಾ ಕಿ ತರಫ್ ಸೇ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಜೋ ಹೈ ಯೇ ದೋ ತೀನ್ ರೋಜೋ ಅಭಿ ಹಮೇ ಚಾಲೂ ಕರೇಂಗೇ ಕಿ ಸಿವಿಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಮೇ ಹೋ ಹಮಾರೇ ಔರ್ ಸೇ ದೂಸರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಮೇ ಖಾನಾ ಫ್ರೀ ಮೇ ಬಾಟನಾ ಹೈ, ताकि यही सवाब अभी जो पेशेंट के अटेंडर्स हैं उन्हों लॉकडाउन में जाएंगे क्या, खाएंगे क्या, क्वेश्चन मार्क आता है। तो हमें सब जने मिलकर डिसाइड करें कि इंशाल्लाह वी विल डिस्ट्रीब्यूट। अब हमारी पुलिस डिपार्टमेंट सब में ज़्यादा काम कर रही है, हर जगह खड़ी है, भूख प्यास है सब है। तो उनके लिए जो है पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी हमें जो है ये अभियान चालू करें और जितने भी हैं उनको सबको हमें पॉकेट ऑफ पहुँचाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। आज ईद उल फितर के दिन सबको ईद की शुभकामनाएं और ईद मुबारक। अंजुमन के तरफ से एक छोटा सा काम जिम्मेदारी हमारे सब अंजुमन के जो साथी हैं उठाए हैं, जो हॉस्पिटल में पेशेंट्स एडमिट हैं उनके जो रिलेटिव्स रहते हैं उनके लिए खाने का एक प्रबंध किया गया है, पुलाव और सो पानी हम सब लोग वहाँ पर हमारी जो टीम जाकर पहुँचा रही है। उसके अलावा जो दूसरे हॉस्पिटल्स में भी उनके रिलेटिव्स जो जिसके घर बाहर गाँव से आए हैं जिनके लिए होटल्स बंद है और खाना चाय वगैरह का इंतज़ाम नहीं है, हमारे अंजुमन की तरफ से हम खाना पहुंचा रहे हैं। और अगर हो सके तो हम स्टेशन पर भी जाएंगे और मंदिर और मस्जिद के पास भी जाएंगे, अगर वहाँ भी जो ज़रूरतमंद लोग रहेंगे तो उनको भी पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। एक 400 से 500 पैकेज हम लोग आज बनाए हैं। अल्लाह हमें हिम्मत दे कि इसी तरह से आगे भी काम करते रहें। इसी तरह आज ईद उल फितर के मौके पर कई सारी तंजीमों ने इदारों ने समाजी खिदमत अंजाम दिए और लॉकडाउन की वजह से जिस तरह किल्लत और मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है तमाम को देखते हुए कई सारी तंजीमों ने फूड पैकेट्स की तकसीम की। लिहाजा अंजुमन इस्लाम चिक्कोड़ी की जानिब से भी हर साल की तरह इस साल भी 500 राशन के किट गरीबों में तकसीम किया। बिला किसी मजहब तफरके के उन्होंने सभी जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें राशन के किट तकसीम किए।
इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया।